नमस्ते कैसे हैं आप आशा करती हूँ सभी लोग ठीक होंगे यहाँ पर मैंने आज बनाया है कटल का अचार इसमें मैंने मसाला डाला है पंचपूरन वाला तो पहले मैंने कटहल को अच्छे से काट लिया है धो लिया है और अब मैं इसको क्या करूँगी बॉईल करूँगी तो यहाँ पर मैंने बर्तन में पहले से ही गर्म पानी बॉयल कर लिया था तो उसमें डाल लिए हैं कटहल तो एक अच्छा सा बॉयल हो जाए तो उसके बाद मैं इसको निकाल के इसका पानी उसके बाद इसको धूप में मैं डाल दूँगी कटहल को धूप में सुखा रही हूँ और उसके बाद बनाऊंगी मसाला तो मसाले पे मैंने यहाँ पे ली है लाल मिर्च सूखी और जीरा धनिया और ये है पंचपूरन इसमें मेथी दाना भी है काला जीरा है सौंफ है तो इन सब को अच्छे से धो के मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और मिक्सी में दरदरा मसाला बना के तैयार कर लिया है तो पहले मैंने सरसों का तेल को गरम कर लिया था तो उसमें मैंने डाला है धनिया पाउडर अब अपने अंदाज़ से डालिए और उसके बाद डाला है ये जीरा पाउडर और अब डालूँगी मैं इसमें लाल मिर्च तो इसको भी मैंने कूट लिया था और ये है पंचपोरन वाला मसाला इसमें सभी कुछ है जैसे नमक डाल दिया है काला जीरा डाल दिया है सौंफ डाल दिया है तो इन सबको आप कर लेंगे मिक्स और उसके बाद डालेंगे अब हम यहाँ पे कटहल में अब हम कर लेंगे मिक्स और खट्टेपन के लिए मैंने थोड़े से यहाँ पे आम भी सुखा लिए थे तो उनको भी मैं ऐड कर रही हूँ और इस तरह मिक्स कर लेंगे पहले मैं हल्दी डालना भूल गई थी तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पे हल्दी भी ऐड कर ली है और अब देखिए इसका कलर इसको मिक्स करते इसका कलर देखिए कितना अच्छा आ गया तो इसको अब हम डब्बे में भर लेंगे और दो तीन दिन धूप में सुखा लेंगे अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें धन्यवाद